नोएडा की कंपनी ने कर दिया कमाल, साइकिल की कीमत में लाए इलेक्ट्रिक स्कूटर, देखे क्या है खास। भारत में हर महीने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में कुछ न कुछ नया आता ही रहा है और अब इस कड़ी में नोएडा बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी नेक्स्टजेन एनर्जिया ने महज 36,990 रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। ये स्कूटर भारत का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जा रहा है। ये कंपनी जल्द ही महज 5 लाख रुपये में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने वाले समय में सारा खेल प्राइसिंग को लेकर है। फिलहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट की बात करें तो 1 लाख रुपये तक के प्रोडक्ट की बम्पर बिक्री होती है। अब आने वाले समय में लोगों के बीच जब सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे और नीचे आ जाएगा। ऐसे में आम लोगों की जरूरतों को देखते हुए यूपी के नोएडा बेस्ड कंपनी नेक्स्टजेन एनर्जिया ने 40,000 रुपये से भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में आम लोगों की टाटा नैनो कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी नेक्स्टजेन एनर्जिया ने महज 36,990 रुपये में अपना किफायती दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बाजार में उतारा है। एक्टर और बिजनेसमैन सुनील शेट्टी ने इस दोपहिया ईवी मॉडल को इसी हफ्ते अनवील किया। इसकी कीमत 36,990 रुपये से शुरू होती है और यह कंपनी का सबसे किफायती मॉडल है। नेक्स्टजेन एनर्जिया का कहना है कि यह मॉडल आने वाली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्टजेन एनर्जिया के चेयरमैन पीयूष द्विवेदी का कहना है कि कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन को सबके लिए प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल बनाना है, ताकि ग्रीन फ्यूचर के संकल्प को पूरा किया जा सके। कंपनी का उद्देश्य चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री करना और 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क स्थापित करने के साथ ही ईवी सेक्टर में लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी देना है। कंपनी अगले वित्त वर्ष में दुनिया की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार लाने की योजना पर काम कर रही है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से भी कम होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।